हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स या फिर बेसिक ऑफ पार्टनरशिप की क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 ए के दोनों, 24 के दोनों पार्ट ए एंड बी एंड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने सोल्व कर दिए, लगभग 4 से 5 वीडियो हमने बनाई है। जो ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हम सभी चैप्टर की वेल मेंटेन्ड प्लेलिस्ट बनाएंगे, मतलब जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम वीडियोज बनाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो टॉपिक के नाम है इनकेस ऑफ लॉस टू द फर्म, जब फर्म को लॉस हो। वेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू से। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स। इस ग्रुप का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो, ठीक है। देखो, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, फर्म को नुकसान हो, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 इसी टॉपिक के। इफ द फर्म इनकर्स लॉस, अगर फर्म में नुकसान हुआ ड्यूरिंग द ईयर, द पार्टनर्स विल नाइदर बी अलाउड, तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं देना। अगर फर्म के अंदर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं देना, ना तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना ही सैलरी देना, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना ही सैलरी देना। अब कमीशन क्यों नहीं देना, क्योंकि देखो कमीशन किसके ऊपर अलाउ किया जाता है, आपने हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके ऊपर। कमीशन किसके ऊपर अलाउ किया जाता है, प्रॉफिट्स के ऊपर। अब जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कमीशन कहां से आएगा, सो नो प्रॉफिट नो कमीशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देना, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी, ना सैलरी देनी, और कमीशन तो आएगा ही नहीं, खुद ही नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब फर्म के अंदर प्रॉफिट ना हो तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें नहीं बनाना। हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें भी मैंने आपको ये बातें बताई थी, ठीक है। और साथ में जब लॉस होता है तो जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन थी, वो एक्सेप्शन क्या थी कि जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन हो तो हमें जो बनाना है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, चाहे फर्म में नुकसान हो। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अपनी बुक में लिख लेना कहीं भी इसको, या फिर नोटबुक में लिख लेना। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा लॉस के केस में तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, अदरवाइज लॉस के केस में हमेशा हमें क्या बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, ठीक है। ध्यान रहेगी ये बात आपको। अब हम क्वेश्चन करते इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी बुक में, डीके गोयल सर की बुक में जो बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो हम सोल्व करते हैं। एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, एंड बी पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का वो क्या, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विच वर 6 लाख एंड 4 लाख। तो सबसे पहला काम है हम क्या करेंगे, इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा पार्टनर का, 6 लाख लिखेंगे, 4 लाख लिखेंगे, हम ऑलरेडी सोल्व करना देख चुके हैं इसको कैसे करते हैं। 50 कॉमन है, 5 जीरो हटा देंगे, अब क्या बचा अपने पास, 6:4। कितने से डिवाइड हो रहे दोनों, 2 से, तो रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, 3:2। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, ए एंड बी का 3:2, ठीक है। उसके बाद द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट पार्टनर्स विल गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच, 20,000 की मंथली सैलरी है, तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,40,000 ईच का मतलब है दोनों पार्टनर को, ए को भी और बी को भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 8% पर एनम। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000, क्वार्टर कितने क्वार्टर है, 4, कितने क्वार्टर है, 4, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 96,000 का रेट एनुअल। ऑन 1st of July 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ 1,50,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, ए और बी ने लोन दिया फर्म को। अब रेट गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो क्या लेके चलेंगे हम, 6% का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024 द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ, अब अच्छा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लॉस गिवन है। अब लॉस गिवन है तो ना तो हमें क्वेश्चन में सैलरी देनी पार्टनर को, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे फर्म को नुकसान हो हमें कोई मतलब नहीं, ये दोनों अमाउंट पे करनी है। कौन कौन सी, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन।
बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको एक अकाउंट बताना है जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस का केस है, लॉस के केस में चेक करो क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, नहीं है, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है ये? 31st मार्च 2024। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लॉस टू लॉस, कितने का लॉस है क्वेश्चन में? ये क्या है? 17,250 का लॉस, 17,250 का लॉस, ठीक है। 7,250 का क्या हो गया अपने पास यहाँ पे? लॉस हो गया, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 31st मार्च 2024 को। पार्टनर्स को सैलरी देनी है? नहीं देनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? नहीं देना। क्यों नहीं देना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी? क्यों नहीं देनी? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? लॉस गिवन है। अब ए को हम रेंट पे कर लेंगे, क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 टू रेंट टू ए, ये तो पे करना ही करना है चाहे फर्म में नुकसान हो कुछ भी हो। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट हो जाएगी? 96,000 की। कितना आ जाएगा? 96,000। और ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? हमने कैलकुलेट किया था 3:2 था ये, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब रेट गिवन नहीं है तो कितना लेके चलेंगे? 6% ए एंड बी का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? देखो, ए ने जो लोन दिया वो दिया 1,00,000 रुपए का। तो वर्किंग नोट बना लो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर और पार्टनर ए, ए का लोन कितना है? 1,01,00,000 रुपी मल्टीप्लाई बाई रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 6% मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ? फ्रॉम 1st of July to 31st of March, कितने मंथ हो जाएंगे? 9 months। 1 जुलाई से काउंट करेंगे कब तक? 31st मार्च तक, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 months हो गए। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास? 1,00,000 का 6% डिवाइडेड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 9, ये अमाउंट आ रही है 4,500 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया ए का। 4,500 बी का कैलकुलेट करेंगे, इसने कितना लोन दिया? 50,000 का, सेम डेट को दिया। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 9/12 कितनी अमाउंट आ जाएगी? ये 2,250। तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड कर लेंगे 4,500 एंड 2,250, दोनों का टोटल करेंगे, ये आ रहा अपने पास 6,750। इसके अलावा चेक करो क्वेश्चन में कोई और आइटम है। हमने रेंट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट हो गया, लॉस हमने रिकॉर्ड कर दिया और कुछ नहीं है, टोटल कर लेंगे। सो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 6,750, 96,000 एंड 17,250, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,20,000 टोटल। अब एक्सेस कौन सा है? डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या क्रिएट करेंगे? लॉस। तो हम लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेके चलेंगे। ए एंड बी 1,20,000 टोटल अमाउंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का? 3:2। सो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल 5, ए का शेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 1,20,000 को, तो ये आ जाएगा 72,000 एंड बी का कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2/15, ये आ जाएगा 48,000, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और साथ में ना इसमें दो वर्किंग और लिख लेंगे। देखो वर्किंग में क्या लिखेंगे, इसमें इसमें नोट लिख लेंगे नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आर नॉट अलाउड टू पार्टनर इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वो भी ठीक है बना, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस, और तीसरा लिख देंगे रेंट एंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर पेड एज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया। इस क्वेश्चन के नीचे लिख लेंगे, आप भी आपका P&L अकाउंट खत्म हो ना, उसके नीचे नोट लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, उनकी कैपिटल गिवन है 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली एज पर द डीड। ए इज टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 15,000, मंथली सैलरी 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कितनी अमाउंट आ जाएगी, एनुअल 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनम एंड चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमने पढ़ा था जब भी डेट गिवन ना हो तो कितने मंथ का कंसेप्ट लेके चलेंगे हम, 6 मंथ्स का। ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया ए एंड बी ने ड्रॉइंग की कितने की, 30,000 की एंड 50,000 की। डेट गिवन नहीं है तो कितने मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, 6 मंथ्स की। द फर्म इनकर्ड, अच्छा इसमें भी लॉस है, यहाँ भी क्या अपने पास लॉस है, तो लॉस है तो ना तो पार्टनर को हमें सैलरी देनी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। दूसरा आगे बताया, लॉस है 60,000 का 31st March 2024 को बिफोर अबव एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें एक अकाउंट बना के देना, तो अकाउंट बनाने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पार्टनर ए, ए ने कितनी ड्रॉइंग की 30,000 की, रेट कितना है अपने पास 12% का, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ लेके चलेंगे, डेट गिवन ही है तो 6 मंथ्स, ठीक है। ऐसे बी का कैलकुलेट कर लेंगे, बी ने किया 50,000 की ड्रॉइंग, 12% का रेट फॉर 6 मंथ्स, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये 1,800 and 3,000, ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा अब इस क्वेश्चन ने बोला कि एक अकाउंट बना के देना है, अब कौन सा अकाउंट बनेगा, अकाउंट कौन सा बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनेगा, क्योंकि लॉस है, लॉस के केस में क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब भी लॉस हो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, ठीक है। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर अमाउंट लॉस गिवन है तो यहाँ लिख लेंगे टू लॉस, लॉस कितनी अमाउंट का अपने पास, या फिर यहाँ लिख लेंगे टू पी एंड एल अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहो दोनों ठीक है। लॉस कितने का अपने पास, 60,000 का लॉस हो गया, लॉस हो गया 60,000 का, ना पार्टनर को सैलरी देनी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज कर लेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर। नाम क्या क्या इनके, ए एंड बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी इनकी 1,800 and 3,000, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 4,800। इसके अलावा और कोई आइटम है ही नहीं, टोटल कर लेंगे, टोटल कितना है डेबिट साइड का 60,000, 60,000 से माइनस कर देंगे 4,800, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 55,200। अब जो ये लॉस आया है, इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, क्वेश्चन में कुछ बोला कि कैपिटल का नेचर क्या फिक्स फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं बोला, तुम क्या मानेंगे फ्लक्चुएटिंग, टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का 1:2, सो 55,200 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए का शेयर कितना 1, दोनों का टोटल 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ए का शेयर आ जाएगा 18,400, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो बी का शेयर आ जाएगा 36,800। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर कर लिया और 21 का भी हो गया। अच्छा अगर ये नोट लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस वाले के अंदर पहला नोट तो सेम हो जाएगा अपने पास, जो हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस, पी एंड एल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस, बट देखो ये सेकंड पॉइंट मैं ही लिखवा देता हूँ, फर्स्ट केस तो वही हो जाएगा अपने पास, इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड सैलरी आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस, जो हमने पहले वाले में लिखा 21 में। दूसरा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, जैसे भी आप लिखना चाहो आप लिख लेना, वैसे कुछ जरूरी भी नहीं है लिखना। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं तो इसका लिखने की जरूरत नहीं, बस ये दो ही बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वाला लिख लो, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है और फर्म के अंदर क्या लॉस है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उससे पहले कंसेप्ट है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस कंसेप्ट,
क्वेश्चन एक ही है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में काफी बार। अच्छा, व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ पार्टनर एटसेट्रा। ये कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं कि जब अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ज्यादा है, किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से, जो हमारा प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, उससे, इन तीनों का टोटल ज्यादा है या फिर एक का टोटल ज्यादा है। जैसे यहां पे मान लो ये है 10,000 और ये है 8,000, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? अब हम ये पूरी अमाउंट तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते पार्टनर्स को, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ 8,000 है और देना हमें कितना 10,000 है। अगर हमने 10,000 दे दिया तो 2,000 का नुकसान हो जाएगा, वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते ही नहीं, ये आइटम, ये तीनों आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ही नहीं। तो इनको एक ऐसे प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक ऐसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये दोनों अमाउंट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों अमाउंट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और वो प्रोपोर्शन क्या रहेगा? जो इनका प्रोपोर्शन है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन से समझेंगे इसको। देखो, आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर, एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये दोनों कर लेना। X एंड Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स है X एंड Y और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 का। X एंड Y पार्टनर हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। द नेट प्रॉफिट गिवन है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर एक से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आपको कंप्लीट लिखना है। एक्स एंड वाई, कितनी अमाउंट अपने पास कैपिटल की? 10 लाख एंड 5 लाख, मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% एंड 8%, कितनी अमाउंट हो जाएगी? ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 40,000, 80,000 एंड 40,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 आफ्टर प्रोवाइडिंग बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹45,000। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन अपने पास सिर्फ 45,000, ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो देना है 1,20,000। और क्वेश्चन ने बोला कि हमें क्या करके दिखाना है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अकाउंट तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट का केस है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितनी अमाउंट है? नेट प्रॉफिट हो गया अपने पास 45,000 रुपीज का, ठीक है। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है, अभी आप लोग मत लिखना। देखो, जो अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा पार्टनर्स का, एक्स एंड वाई का, 80,000 और 20,000, 80 एंड 40। टोटल अमाउंट कितनी होगी? 1,20,000, ठीक है। अब प्रॉफिट है 45 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,20 का। अगर हमने पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो इस साइड अपने पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लॉस, और कितने का आ जाएगा? 120 माइनस 45, ये लॉस आ जाएगा 75,000। लेकिन क्वेश्चन में आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए, जितना भी हमने पढ़ा अभी तक, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा सिर्फ दो ही आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेबल टू पार्टनर। सिर्फ यही दो आइटम ऐसे थे, चाहे फर्म को नुकसान हो जाए हमें पूरा देना था। इसके अलावा कुछ पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा। मींस ये पूरी अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्टनर्स, ये पूरी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी पार्टनर्स, ठीक है। अब दूसरा देख, अभी ये मैं जो लिख रहा हूं वो भी गलती है अभी, ठीक है। अब मान लेते प्रॉफिट 1,45,000 ना होके प्रॉफिट कितना था? 1,20,000, ठीक है। हमें 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कम से कम कितने प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है? 1,20,000 प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट होता 1,20,000 का तो पार्टनर्स को किस रेशियो में अमाउंट मिल रही थी?
2:1 के अंदर भाई 1,20,000 का प्रॉफिट होता कम से कम, मान रहे कि 1,20,000 का प्रॉफिट है, पार्टनर्स को अमाउंट पे करनी है 1,20,000, तो एक्स का शेयर उसमें कितना 80,000, वाई का शेयर कितना 40,000, ठीक है। मींस इनको जो अमाउंट मिल रही है वो किस प्रोपोर्शन में मिल रही है, 2:1 पे। लेकिन अगर अब हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट कितने का अपने पास 45,000 रुपीज का प्रॉफिट है। अब हमें यह तो पता है कि हम 80,000 और 40,000 नहीं दे सकते, 80,000 40,000 पार्टनर्स को नहीं दे सकते, तो किस प्रोपोर्शन में देंगे फिर, तो 45,000 को हम किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोपोर्शन में। पार्टनर को जो अमाउंट मिल रही है ना उसके प्रोपोर्शन में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भाई देखो अगर 1,20,000 प्रॉफिट होता तो भी इनको 2:1 में मिलना था, अब 45,000 है तो वो भी किस प्रोपोर्शन में देंगे इनको, 2:1 के अंदर। आया समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अब अपने पास, ये जो 45,000 आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 2:1, तो कितने कितने अमाउंट हो जाएगी, 30,000 एंड 15,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी 45,000। और एक नोट लिख लेना यहां पे, इन क्वेश्चंस के अंदर जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अप्रोप्रिएशंस के रेशियो में तो क्या लिखना है, प्रॉफिट नोट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहां पे प्रॉफिट आना ही नहीं है, कभी आप गलती से लिख दो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिख के आप गलती से यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू मत लिख कर देना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था ना वो ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, जो 45,000 प्रॉफिट आया था वो ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, क्लियर है। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और वर्किंग नोट बना के दिखाना है, कौन सा वर्किंग नोट रहेगा ये, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो या फिर अपोर्शंस लिख लो, जैसी भी आपकी इच्छा करे। सो ए रेशियो बी क्या आ जाएगा अपने पास, 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका था, बी का कितना था 40,000, तो रेशियो क्या बना अपने पास, 2:1, और इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 2:1 के अंदर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल करा, ठीक है, प्रॉफिट मान लो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है ये, मान लो ये है 45,000 का, सेम ही प्रॉफिट लेके चल रहे, दो पार्टनर है ए एंड बी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है अपने पास 50,000 एंड बी को हमें पे करना है सैलरी 40,000। तो अब इस केस में क्या करोगे, ये आपका इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे, बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे 45,000 या फिर पी एंड एल अकाउंट आपको जो भी लिखना है, ठीक हो गया, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब 45,000 का नेट प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का प्रोपोर्शन कितना अपने पास इन दोनों का टोटल करे तो 90,000, टोटल है 90,000, अमाउंट है 45, मींस 90,000 तो हम नहीं दे सकते, इससे लॉस क्रिएट हो जाएगा, तो हमें पार्टनर्स को कितनी अमाउंट देनी है 45,000, तो कैसे देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को क्या मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को क्या मिलनी है सैलरी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। अब इनका जो प्रोपोर्शन है 50,000 एंड 40,000 जो अमाउंट है इनका रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा 5:4। अब इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 5:4 में तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 25,000 एंड 20,000। आया समझ में आपको, जब अलग अलग गिवन हो पार्टनर्स का, ए एंड बी का, ए को कैपिटल दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को सैलरी देनी है, तो भी हमें सेम ही ट्रीटमेंट करना है जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का, तो हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आया हो कि अगर सैलरी और कमीशन होता तो कैसे करते, फिर अलग अलग होता तो पार्टनर्स का, तो भी हमें सेम ही करना था, पार्टनर्स का जो प्रोपोर्शन बनेगा ना ए एंड बी का, जिस भी रेशियो जो भी निकल के आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस प्रॉफिट को, क्लियर है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस टॉपिक को, आपके आगे 12th के बाद काफी काम आएगा ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है।
ठीक है ना। ठीक, अब हम देखते देख रहे कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द टू फॉलोइंग मेथड, ये दो मेथड अपने पास, सिंपल मेथड एंड द प्रोडक्ट मेथड। कौन कौन से दो मेथड है? सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमें कैलकुलेट करनी है वो सेपरेटली कैलकुलेट करनी है अलग अलग ड्रॉइंग्स के ऊपर, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, टिल द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड कब बंद होता है? 31st मार्च को, ठीक है, या फिर हो सकता है 31st दिसंबर को भी हो जाए, वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। जैसे भी इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला, हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई मंथ बाई 12, ठीक है। एक दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड किससे निकल के आया? सिंपल मेथड से। कैसे आया? हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन कैसे। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 ए कर रहे हैं हम आपकी बुक में, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। उसने कौन कौन सी अमाउंट विड्रॉ की? अप्रैल 30 को 8,000, जून को 6,000, सितंबर को 5,000, दिसंबर को 12,000, जनवरी को 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन है 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में करके दिखाना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है ऑफ पार्टनर ऑफ मिस्टर अशोक गुप्ता, ऑफ मिस्टर अशोक गुप्ता। तो पहले हम इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ए पार्ट बना के सिंपल मेथड से। मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करा देता हूं, फिर आप देख लेना आपको कौन सा मेथड पसंद आया, आगे क्वेश्चन आपको उसी मेथड से करने है। जनरली पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलता कि किस मेथड से करना है, ठीक है, अगर मिल भी जाए तो दोनों मेथड हम करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है डेट ऑफ ड्रॉइंग कि आपने कब ड्रॉइंग की, अमाउंट कितनी ड्रॉइंग की आपने, कितने पीरियड के लिए ड्रॉइंग है। पीरियड का मतलब है डेट ऑफ ड्रॉइंग से 31st मार्च तक, ये साल कब बंद हो रहा है? 31st मार्च तक। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग कितनी अपने पास? 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31st दिसंबर, 31st जनवरी। अमाउंट कितनी है? 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 एंड 10,000। तो हमने अमाउंट लिख ली, डेट ऑफ ड्रॉइंग लिख ली, दोनों लिख ली। अब 30th अप्रैल से 31st मार्च तक कितने मंथ बनेंगे वो काउंट करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ बने? 11 मंथ्स लिख लेंगे। जून से अपने पास 31st मार्च तक कितने मंथ बनेंगे? 9 मंथ्स। सेप्टेम्बर से 6th मंथ, 30th सेप्टेम्बर मीन्स अक्टूबर से काउंट करेंगे हम। 31st दिसंबर का मतलब है 1 जनवरी से काउंट करेंगे 3 मंथ्स, एंड 31st जनवरी से मतलब फरवरी से काउंट करेंगे 2 मंथ, फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। इस तरह से हमने लिख लिया, पीरियड लिख लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था, दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। यहां पे हमें इसका अलग से कैलकुलेट करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, ऐसे करना है। तो कैसे करेंगे? देखो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 11/12 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना अपने पास? 9%, 9/100। इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 9/12 मल्टीप्लाई बाई 9/100, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6/12 मल्टीप्लाई बाई 9/100, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 3/12 मल्टीप्लाई बाई 9/100, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2/12 मल्टीप्लाई बाई 9/100। तो इस तरह से हमने लिख लिया, पहले हमने अमाउंट लिखी, ड्रॉइंग का रेट लिखा, पीरियड लिखा 11 मंथ्स का डिवाइडेड बाय 12, ये सारा हमने लिख दिया। अब इनको सबको अलग अलग सोल्व करेंगे, और सोल्व करके अमाउंट कितनी आएगी? इसको सोल्व करेंगे 660, इसको सोल्व करेंगे 405 225। सोल्व तो कर लोगे ना आप लोग? 270 एंड 150, और इन सब का करेंगे टोटल, ये टोटल आ जाएगा अपने पास 1710।
ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अशोक गुप्ता बाय सिंपल मेथड, ये सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड हो गया। हमने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट किया, इसको इसको अलग कैलकुलेट किया, इसको अलग से कैलकुलेट किया, यहाँ अलग किया और इसको अलग से किया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं बाई प्रोडक्ट मेथड, बाई प्रोडक्ट मेथड, ये वाला मेथड देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा दोनों मेथड कनेक्ट कैसे होंगे, कैसे लिखना हमें, सेम लिखना है, डेट, अमाउंट, पीरियड, ये तीनों कॉलम क्या सेम है, 30th अप्रैल, 30th जून, 30th सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31st ऑफ जनवरी, यही थे अपने पास। अमाउंट लिख लेंगे 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 एंड 10,000, ये अमाउंट होगी। पीरियड कितना था, 11, 9, 6, 3 एंड 2, ये हो गया। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है प्रोडक्ट, क्या लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा, 88,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 54,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 30,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000, और इन सबका कर लेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 88 प्लस 54 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 20, ये आ जाएगा 2,28,000, इसको लिख लेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हम थ्योरी पढ़ते, थ्योरी में क्या था अपने पास, सिंपल मेथड में क्या करना है, इस मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना था हमें सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट किया सिंपल मेथड के अंदर, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मेथड, इनको आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये हो गया। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाई बाय ईच सेट ऑफ ड्रॉइंग विद इट्स ड्यूरेशन, हमने क्या किया प्रोडक्ट मेथड में, जो अमाउंट थी अपने पास उसके मल्टीप्लाई कर दी इसके पीरियड के साथ और हमने प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट लाइन ही बोल रही है, ये कर लिया हमने। उसके बाद द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड, उसके बाद क्या करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड, हमने एड भी कर दिया, एड करने के बाद एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट सो अराइव्ड एट फॉर वन मंथ, कितने मंथ लेके चलना है, वन मंथ लेके चलना है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो देखो, सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना अपने पास, 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना अपने पास, 9% मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे इसमें, वन मंथ लेके चलेंगे, 1/12, सो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2,28,000 मल्टीप्लाई बाई 9% डिवाइडेड बाई 12, ये अमाउंट आ जाएगी सेम 1,710 बाय प्रोडक्ट मेथड, आया समझ में आप, ठीक है। अच्छा अब सिंपल से इस सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड कैसे बना वो देख, सिंपल मेथड में यहाँ क्या लिखा हुआ, 8,000 मल्टीप्लाई 11/12 मल्टीप्लाई 9/100, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100 मल्टीप्लाई बाई 9% का रेट था, कितने मंथ थे अपने पास स्टार्टिंग में, 11/12 प्लस, ये लिखा हमने। उसके बाद दूसरा 6,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100 मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ थे दूसरे में, 9/12, 9 मंथ ही थे, 9/12, ठीक है, ये हो गया। नाउ थर्ड के अंदर 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6/12 मल्टीप्लाई बाई 9/100, ऐसे प्लस करेंगे सारी अमाउंट को, तो कॉमन देखो क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, 9/100, 9/100, 9/100, 9/100, 9/100, 9/100, तो सबके अंदर 9/100 कॉमन है, सिंपल मैथ है। अब यहां पे लिखा हुआ 11/12, 9/12, 6/12, तो ये जो 12 है ये सब में कॉमन है, मैथ तो इतनी पढ़ी हमने, 11/12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 × 1/12, तो इन सब में से 1/12 अगर हम कॉमन निकाल, ठीक है, 1/12 हमने कॉमन निकाल दिया,
अब बचा क्या यहाँ पे 8,000 और 11, 8,000 और 11 प्लस 6,009, 6,009, 5,006, 5,006, इन सबको टोटल करके अगर ये जो कॉमन आया इससे मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास क्या बन गया, प्रोडक्ट मेथड। ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या पीरियड है, हमने किया क्या यहाँ पे, अमाउंट की पीरियड के साथ गुणा कर दी, ठीक है, उसका टोटल कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, 9 by 100, 1 by 12, 9 by 100, 1 by 12, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन के आया, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है इस, क्लियर है। हमारा काम है सिंपल मेथड में अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट मेथड में इनकी प्रोडक्ट निकाल लो, अमाउंट की पीरियड के साथ गुणा करके इनका टोटल कर लो, और टोटल का जो भी रेट गिवन उसका 1 month की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, बस बहुत है, ठीक है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट, हमने दोनों मेथड से इसको सोल्व किया, सिंपल एंड प्रोडक्ट से। अगर आप मेरी सलाह मानो तो क्वेश्चन को हमेशा प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करना, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिंपल मेथड बोल ही दिया, वैसे तो बोलता नहीं है, बोल ही दिया तो उससे सोल्व करना है, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट से सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 भी, इसे सोल्व करते हैं। ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024, एज ड्रॉइंग वर दिस 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 दिस, अलग अलग ड्रॉइंग गिवन है, अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना 10% पर एनम, कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए फॉर द ईयर एंड 31st March 2024। किस मेथड से सोल्व करें इसको, प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर लेते हैं, मैं इसको यहीं सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर ही, आप अलग से कर लेना। ये होगी अपने पास डेट ऑफ ड्रॉइंग, ये होगी अपने पास अमाउंट, यहां पे हम लिख लेंगे पीरियड, और इससे आगे लिख लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1st June से 31st March तक कितने मंथ बनेंगे अपने पास, 10 months, कितने मंथ बनेंगे 10 months, अगस्त से मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 months, उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक 6 months, एंड दिसंबर से मार्च तक अपने पास हो जाएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 months, एंड फरवरी एंड मार्च कितने मंथ, 2 months। अब करते हैं इनकी प्रोडक्ट, 1000 into 10, 10,000, 750 into 8, ये आ जाएगा 6,000, 1250 into 6, 7,500, उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास 500 into 4, 2,000, एंड 500 into 2, 1,000, तो ये अपने पास टेबल कंप्लीट होगी, इनका कर लेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 10,000 plus 6,000, 7,500, 2,000 and 1,000, ये टोटल आ रहा है अपने पास 26,500, इतना टोटल आ गया, 26,500 का टोटल आ गया। ये टेबल अलग से बना लेना, मैंने क्वेश्चन में कर दिया, ये डेट, अमाउंट, प्रोडक्ट मेथड, अपने पास पीरियड लिख लिया हमने, फ्रॉम 1st June to 31st March, अगस्त टू 31st March, इस तरह से, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर ली अमाउंट की किससे, पीरियड के साथ, और अपने पास ये आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक महीने के लिए, रेट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10%, तो आ जाएगा 26,500 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 1 by 12, ये आ जाएगा 220.8 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख लें कंप्लीट, 221, ये अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया किसका, पार्टनर ए का, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एंड बी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली विद कैपिटल्स ऑफ 3 lakh and 2 lakh रिस्पेक्टिवली, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, उनकी ड्रॉइंग गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, आर एच फॉलोज, ए की ड्रॉइंग गिवन है, बी ने ड्रॉ किए 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में कर रहे हैं, ठीक है, हर महीने के एंड में इसने कितने ड्रॉइंग किए, 6,000 की, उसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों का रेट कितना गिवन है 10% पर एनम, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओ पार्टनर, क्या क्या नाम है, ए एंड बी, ये तो सिंपल ही है, 3 lakh and 2 lakh, 3 lakh का रेट है, सॉरी 3 lakh की अमाउंट है, रेट कितना है अपने पास 10% का, तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल है 30,000 and 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
वो पार्टनर ए एंड बी, तो पार्टनर ए का तो मैं यही सोल्व कर लूँ, ये होगी डेट अपने पास, ये होगी अमाउंट, इससे आगे लिख लेंगे पीरियड और उससे आगे लिख लेंगे हम प्रोडक्ट। कौन सा मेथड हो गया ये? प्रोडक्ट मेथड। आप अपनी नोटबुक में अलग से कर लो इसको, ठीक है। सो थर्ड थर्ड ये क्या हो जाएगा, 30 जून, ये हो जाएगा, ये हो गया जून अपने पास, ये हो जाएगा जुलाई, ये 1 अक्टूबर और ये 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 1 महीना। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे अपने पास? 31 मार्च तक 6 मंथ्स। जुलाई से, जुलाई तो लास्ट है तो जुलाई को छोड़ दो, अगस्त से काउंट करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होंगे? 8 मंथ्स। और जून को छोड़ दो, जुलाई से कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे? 9 मंथ्स। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 20,000 इंटू 9, 1,80,000, 80,000, 10,000 इंटू 8, 10,000 इंटू 6, 60,000 एंड 16 इंटू 1, 16,000, इनका कर लेंगे टोटल, ये आ जाएगा अपने पास 1,80,000, 80,000, 60,000 एंड 16,000, ये आ जाएगा 3,36,000। क्या आ गया ये? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। कैसे किया हमने? ये हमने लिखा, टेबल बनाई, डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके ऊपर कितना निकालेंगे? 3,36,000 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा अपने पास? क्या रेट है? 10% का रेट है। कितने मंथ का लेके चलना है इस मेथड में? 1 महीने का, 1/12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2,800, ठीक है। इसे यहां लिख लेते हैं, कितनी अमाउंट आ गई? 2,800 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए, हो गया सोल्व। नाउ बी, जो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसने ड्रॉइंग की 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने उसने 6,000 की ड्रॉइंग की, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी उसकी? 6,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 24,000, मतलब पूरे साल में उसने कितने की ड्रॉइंग की? 24,000 की ड्रॉइंग की। रेट कितना है? 10% का रेट है, डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, अब इस कंसेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? हर महीने इक्वल ड्रॉइंग की है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ की है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाई 2। ये वाला कंसेप्ट हम कल वाली वीडियो में देखें, जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन उसमें समझेंगे, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? पहली ड्रॉइंग इसने कब की होगी? अप्रैल के एंड में, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे अपने पास? 11 महीने, 11 मंथ्स। प्लस लास्ट ड्रॉइंग इसने कब की होगी? सबसे लास्ट ड्रॉइंग 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे? 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने मंथ का हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 11/2 मंथ्स का, 11/2 मंथ्स का, ठीक है। या तो आप इसको 11/2 लिख लो या फिर 5.5 लिख लो, जैसे भी सोल्व करना चाहो, दोनों ठीक है, मैं तो 11/2 से सोल्व कर रहा हूँ। सो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया अपने पास, 12 से इसको, 12 2 जो 24, 24 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 10। तो अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ जाएगा? अच्छा एक गलती देखना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 6,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 72,000 आएगा ये, इसको ठीक कर लेना। चलो मैं इसे दोबारा करा देता, वो ध्यान नहीं रहा, वो गलती से लिख दिया वहां पे। सो बी का कितना हो गया? कितनी है ड्रॉइंग इसकी? 6,000 इंटू 12, 12 6 72,000 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास? 10% का रेट, 11/2 मंथ्स का, तो सोल्व कर लेंगे इसको, 72,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ये अमाउंट आ जाएगी 3,300 रुपी की, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का, ये ठीक कर लेना, वो गलत लिख दिया था मैंने वहाँ पे, ठीक है। तो 72,000 10% का रेट, ये वाला जो कंसेप्ट है ये नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, आज वीडियो लेंथी हो जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।